बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ुर रहमान और आप देख रहे हैं FPV। एक अच्छा व्लॉग बनाने के लिए तीन चीज़ें निहायत ज़रूरी हैं। नंबर एक, या तो आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते हो। नंबर दो, या तो आपका रोज़ नए लोगों के साथ इंट्रैक्शन हो, उनसे मिलना जुलना हो। नंबर तीन, या आपकी ज़िंदगी में या डेली की लाइफ के अंदर नए नए और अजीब अजीब वाक़यात रूनुमा होते हों, और मेरे पास इन तीनों में से कुछ भी नहीं। जी, ये लाइंस आपको सुनी हुई लग रही है ना? जी हाँ, तो ये लाइंस हैं द वन एंड ओनली प्रो पाकिस्तानी मिस्टर इरफान जुनेजो, हिज प्राइड ऑफ पाकिस्तान। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर व्लॉगिंग की दुनिया में, यूट्यूब व्लॉगिंग की दुनिया के अंदर जो एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, वो अनमैचेबल, अनब्रेकेबल है। ऑल्दो पाकिस्तान के अंदर और हमारे हमसाये ममालिक के अंदर भी बहुत सारे व्लॉगर्स मुख्तलिफ नीश के अंदर व्लॉगिंग कर रहे हैं, जिनमें लाइफस्टाइल व्लॉगिंग है, जिनमें ट्रैवलिंग की व्लॉगिंग है, और जिनमें व्लॉगिंग का एक और स्टाइल है जिसे रोस्टिंग कहा जाता है। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाम रोस्टिंग स्टाइल में भी वो पसंद करती है जो एक्स्ट्रा वल्गर हो, एक्स्ट्रा वल्गर, कि जो आपको एक हनी सिंह की चीप कॉपी लगे और एक आपको जॉनी सिंह की चीप कॉपी लगे। ये आप लोगों की चॉइस है। एक को 10 मिलियन सब्सक्राइबर दिए हुए हैं और एक को आपने 6 मिलियन सब्सक्राइबर दिए हुए हैं, और एक की क्लास जो हमारे पाकिस्तान का गार्बेज है, उसकी क्लास वकार जकर ने बिल्कुल सही ली है। और दर हकीकत वकार जकर ने आप लगी, आप आवाम की क्लास ली है। आप लोग इस नहज तक पहुंचाने वाले हैं। आप लोग क्योंकि पसंद करते हैं ऐसा कंटेंट जो अब्यूजिव हो, जो वल्गर हो। मतलब उन्होंने ज़बान से क्या 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 कुछ नहीं बोला। आई डोंट नो उनकी फैमिलीज कैसे देखती होंगी, उनके माँ बाप किस तरह कबूल करते हैं इसको, उनकी ऐसी औलाद को, कि इस फील टू बी प्राउड कि मेरा बच्चा देखो अपनी ज़बान से ये कह के और ये वाली आमदनी लाया है। या वो कहती होगी, उठ जा बेटा, उठो रमज़ान शरीफ का, उठो रोज़ा रखो, ये तुम्हारी फलां ज़बान का इस्तेमाल करके जो आमदनी आई है, कमाई आई है, ये उसी से रिस्क आया है, उसी से रोज़ा रखो। आई डोंट नो किस तरह कर रहे हैं। तो आपको सोचना है, आप लोग ही जिम्मेदार हैं इस चीज़ को बढ़ावा देने के। जहाँ तक बात है मेरे ब्लॉग्स की, तो भाई मेरे ब्लॉग्स इरफान जुनेजो के लेवल तक को तो नहीं हो सकते, लेकिन ही इज़ माई आइडियल। मैं उनको कॉपी भी नहीं करने वाला, मगर मेरे व्लॉग्स आपको अलग स्टाइल के मिलेंगे, और वो स्टाइल है FM स्टाइल। जी, FM के अंदर जो एक उसका पेट स्टाइल है, उसके RJs जिस तरीके से प्रेजेंटेशन देते हैं, आपको मेरे व्लॉग्स बिल्कुल वैसे ही मिलेंगे। मीन्स के आप अब तक FM को सुनकर फील करते आए हैं, मगर अब आप विजुअलाइज करके भी उसी FM स्टाइल को फील करेंगे। जी, तो डेफिनेटली मैं न्यू कमर हूँ, मुझ में बहुत सारे लैप्स होंगे, मेरे ऑडियोज़ में, वीडियोज़ में, मेरी प्रेजेंटेशन में लैप्स होंगे। आपको पसंद आने में या आपके स्टैंडर्ड तक पहुँचने में मुझे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन मैं अकेला नहीं कर पाता, अकेला नहीं कर सकूँगा, क्योंकि बगैर मोटिवेशन के कोई भी यूट्यूबर, बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकता। और मोटिवेशन है आप लोग, आप लोगों का वीडियोज़ को लाइक करना, आप लोगों का चैनल को सब्सक्राइब करना, आप लोगों का चैनल को शेयर करना, वीडियोस को शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कि आप अपने आप को इस जगह इम्प्रूव करें, तो तभी जाके वो व्लॉगर आपकी पसंद को मद्देनज़र रखते हुए अपने आप को व्लॉगिंग की दुनिया में इम्प्रूव करता है, और आप ही उसको एक बड़ा व्लॉगर बनाते हैं। अब आपकी मर्ज़ी, ऐसी ऐसी निश वालों को, ऐसी ऐसे कंटेंट देने वालों को एक बड़ा व्लॉगर बना दें, या एक साफ़ सुथरा कंटेंट जो पाकिस्तान की पहचान बने, जो आपको अच्छा मैसेज देना चाहते हैं, जिसमें अच्छे अच्छे ट्रैवल व्लॉग्स भी हैं, जिनमें अच्छे अच्छे हमारे कंटेंट व्लॉगर्स भी हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किसको प्रमोट करेंगे। तो मिलते हैं हम अपने अगले व्लॉग के अंदर, जो मेरा दूसरा व्लॉग होगा द चैप्टर 2। उस वक्त तक के लिए लव यू एंड आई एम आउट।